माने आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे मिथ्या प्रशंसा। मिथ्या प्रशंसा का मतलब होता है झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफ करना। एकदा एकाकाकः अत भूखितः आसीत्, एक बार एक कौवा बहुत भूखा था। स भूमौ एका मास पिंडम अलहत, वह पृथ्वी पर एक मांस के टुकड़े को देखा। भूखिता काका तम मांसपिंडम चुचवायाम निधाय वृक्षशाखायाम उपविशत, उस मांसपिंड को चोंच में लेकर के वृक्ष की शाखा पर बैठा। तदा एक सिंघाला काकस मुखे मांसपिंडम देखवा लुब्धा भवत, और कौवा के मुख तब एक सिया कौवे के मुख में मांस के टुकड़े को देख करके लालच आया। सिंगारा तू स्वभावेन भूतासी, सियार स्वभाव से ही बहुत धूर्त हो था। स अचिंत्य वह सोचा, अहो ये तत्सर्षम मांस पिंडम कथम अहम प्रणाम, इस मांस पिंड को मांस के टुकड़े को हम कैसे ग्रहण करेंगे। किंचित विंचित उस सोच करके ससाख्यम काकावल वह कौवे से बोला, हे काका हे कौवा कवे तो सौंदर्यम अति रमणीयम, तुम्हारी सुंदरता बहुत अच्छी है सुंदर है, तो मधुरम गीतम सुनाय, तुम्हारे गीत सुनने के लिए अहम अत अगच्छाम, हम यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। काका मिथ्या प्रशंसा सुत्वा, कौवा मिथ्या प्रशंसा सुन करके अभिभूत जाता, बहुत प्रसन्न हुआ। स पुलकितम भुक्त्वा वृक्षस्य शाखायाम इतस्ततः अनृत्य, और वह खुश होकर के प्रसन्न होकर के वृक्ष की शाखा में इधर उधर दौड़ने लगा। तदा सिंगारम काकाख्यत, तब सियार कौवे से कहा, अहो तो नित्यम अपि अति मनोहरम अस्ति, अरे तुम्हारा नित्य नाचना भी बहुत सुंदर है। तो गाना तु न्यूनोमिन कोकिल गान्यत, और तुम्हारा गान जो है गीत जो है निश्चय ही कोयल से भी अच्छी कोयल से भी मधुर है होगी। स्वप्रशंसायाम पुलकिता काका वह प्रसन्न होकर के कौवा पुलकित हो खुश होकर के गाने प्रवृत्ता गाने के लिए तैयार हुआ। ततः तस्य मुखात मांस पिंडम भूमौत, और वह मुख से मांस के पिंड जो है टुकड़ा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूत सिंगारा तम मांस पिंडम कृत्वा नतमस्तक, और वह सियार जो है मांस के टुकड़े को लेकर के अन्यत्र चला गया। बच्चों इस पाठ की वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर खाली जगह संस्कृत में अनुवाद सब जो हर किताब में लिखे हैं इसका व्हाट्सएप हम आपको भेजेंगे, और इसमें अगर कोई समस्या है ना किसी की हिंदी ना समझ में आई हो तो उसको हमसे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं।